हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या बात है, क्या बात है, जीत जी, मुझे मजा ही आ गया। फैंटास्टिक, थैंक्स फॉर कमिंग। क्या बात है, जब ऐसे गेस्ट आते हैं, वाह, बीच में मजा आ गया, टोका मुझे मजा आ गया। जब ऐसे गेस्ट आते हैं, आर्टिस्टों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। जीतू जी को भी छैया छैया करना पड़ गया। बट वॉट अ लेजेंडरी सॉन्ग। मलाइका जी, क्या लगी थी आप गाने में, जोरदार तालियां, शी सो गुड। थैंक यू सर। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता दूं। क्या क्या? उस गाने में गीता जी भी थी। अरे जी, आप क्यों नहीं थे? क्या आपको ट्रेन की टिकट नहीं मिली थी, या फिर आपके पास घाघरा नहीं था? सर मैं ट्रेन चला रहा था। ट्रेन? अच्छा, चला रहे थे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। क्या बात है, इनकी फिल्म आ रही है, इनके लिए जोरदार। फिल्म नहीं आ रही, उनका शो आ रहा है, आईबीडी इंडिया। वो तो अभी अभी खत्म हुआ था, आज तो दोबारा आ रहा है। ये शो है या फिर कोई लोन की ईएमआई है? ईएमआई एक खत्म नहीं, दूसरी शुरू हो गई। व्हाट इज दिस? मुझे तो पिछले हफ्ते ही पता चल गया था कि इनका शो शुरू होने वाला है। वो कैसे? क्योंकि मैंने टेरेंस को देखा पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, फिर भी पूरी टंकी फुल करवाई, मुझे पता चल गया। फिर जब मैंने वहां पर गीता को देखा, तब तो पूरा कंफर्मेशन हो गया कि शो आने वाला है। तो ये भी गाड़ी की टंकी फुल करा रही थी? नहीं नहीं, ये फुल नहीं करा रही थी, ये इनके पैसे भर रही थी पेट्रोल के। वाह, टेरेंस। यस सर। प्लीज। यस सर। मेरी बातों को बुरा नहीं मानना, जोक के लिए ना ऐसा सब इधर उधर बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता। अरे वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में मलाइका के साथ आते हैं। खैर, जब मैंने आपको भी देखा, तब तो मुझे पूरा का पूरा कंफर्मेशन हो गया कि शो आने वाला है। तो ये भी पेट्रोल भरवा रही थी? नहीं, ये जिम जा रही थी। तो वो तो रोज जाती हैं। इनके लिए शो गया तेल लगाने, ये जिम जरूर जाती है। कमाल की बात है, जिम ये जा रही होती है, कसरत फोटोग्राफर्स की हो रही होती है। मैडम थोड़ा इधर, मैडम थोड़ा इधर, इनके साइड कम हो गए ऐसे ऐसे करते करते। डार्लिंग से मुझे याद आया। डार्लिंग से ओके सर। अरे उनको दे रहे, गुलाब लड़कियों को दिया जाता है। अच्छा हाँ। जीतू जी की तरफ से गीतू जी को गुलाब जी। हाय हाय, बहुत सारा प्यार है। थैंक यू गीतू जी। जी जी, चलिए बाहर चल के खाते हैं पपीतू जी। वो शो के लिए आई, वो पपीता खाने क्यों जाएंगे आपके साथ? अच्छा, शो के लिए मुझे एक चीज पूछनी थी। क्या? ये जो आप लोगों का रियलिटी शो है, ये हर साल ऐसे कैसे आ जाता है? अरे देश में इतना टैलेंट है, बस आ जाता है। नहीं, टैलेंट वैलेंट तो है। मुझे ऐसा लगता है कि चैनल के किसी आदमी को पीने का बहुत शौक है। क्यों? क्यों? क्योंकि हर रात को हाँ, उसको नाच गाना चाहिए ही चाहिए। फ्लोट कर रहे हैं? सॉलिड। या टेम्परेचर चेक कर रहे हैं? टेम्परेचर। हमारे सबके आरटीपीसीआर हो चुके हैं, डोंट वरी। गीता, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप कोई अच्छा सा लड़का देख के मुझसे शादी क्यों नहीं कर ले? आपके अंदर जो लड़का है उसको देख के मैं हाँ बोल रही हूँ, फिर से करोगे? क्या बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? सामने रचना जी बैठी है, आप अरे, अरे इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कपिल जी,
मुझे अर्चना जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? क्या इनमें एक ही बात है, तीन चार होती ना याद करने में बड़ा पंगा होता है। शी इज वेरी नाइस लेडी। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था, इतनी तड़कती बरसात हो रही थी, खाने को कुछ नहीं था मेरे पास, अकेला मैं सड़क पे खड़ा था। फिर ये औरत छाता लेके मेरे पास आई। अच्छा। और कहती है 100 का 1, 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 100 का 1। जीतू जी, आप करने क्या आए यहाँ पे? कॉमेडी। कॉमेडी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।